दोस्तों, मंत्र देवी देवताओं का स्वरूप होता है। जैसे किसी को यदि उसके नाम से पुकारा जाए तो वह तत्काल भागा चला आता है, उसी तरह मंत्र द्वारा जिस देवी देवताओं की स्तुति की जाती है और वह उपासक की बात सुनने और वर देने के लिए विवश हो जाते हैं, उसे आना ही पड़ता है। इसलिए मंत्र जप प्रत्येक उपासक का महत्वपूर्ण अंग है। मंत्र जप को स्वतंत्र रूप से साधना स्वीकार किया गया है। जनकल्याण के निमित्त वेदों में अनेक मंत्र दिए गए हैं। ये सभी अत्यंत शक्तिशाली, प्रभावशाली एवं कल्याणकारी है। कार्य सिद्ध के लिए विश्वास तथा पूर्ण श्रद्धा के साथ इनका जाप करने से इनका उच्चारण शुद्ध रूप में किया जाए तो कार्य सिद्ध अवश्य होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जिन मंत्रों को हमारे वेदों में धन प्राप्ति के लिए बताया गया है, उनमें से सबसे शक्तिशाली मंत्र मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। इस मंत्र को आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और इस मंत्र की साधना भी बताऊंगा दोस्तों, जिसके साथ आपके धन प्राप्ति के लिए बहुत बड़ी आपको उपलब्धि प्राप्त होगी। इस मंत्र के नाम जप के पश्चात जल्द से जल्द आपको धन प्राप्ति होगी और आपकी धन प्राप्ति में वृद्धि होगी। दोस्तों, यह मंत्र थोड़ा कठिन है क्योंकि यह मंत्र वेदों से लिया गया है और वेदों की भाषा इतनी कठिन है कि मनुष्य आज तक उसे ठीक से पढ़ नहीं पाता, इसलिए तो मनुष्य का वेदों पर से भरोसा उठ गया है। इस मंत्र का लगातार और सही उच्चारण से जाप करने से ही आपको धन प्राप्ति हो सकती है दोस्तों, इसलिए इस मंत्र को ज़रा ध्यान से सुनिए। मंत्र है वै सुपर्णा उप सेंदु दिंद्री प्रियमेध ऋषयो नाधमाना अप ध्वात मूर्णही पूर्धि चक्षुमूर्निधानास्मेति एव बद्धान। दोस्तों, यह मंत्र है। यह मंत्र आपको सुनने में कठिन लगेगा, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है दोस्तों। एक बार यह मंत्र आपको अवगत हो गया तो आपके पास इतना धन आएगा कि साक्षात कुबेर देव आपके घर में वास करने लगेंगे। देरी है तो सिर्फ भरोसा करने की दोस्तों, एक बार हमारे वेदों पर भरोसा करके देखिए दोस्तों। ऊपर वाला इतना देगा कि संभालने की क्षमता खत्म हो जाएगी, लेकिन वह देता ही रहेगा। इस मंत्र का जाप आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। सोते, जागते, उठते, बैठते, चलते, हर वक्त आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन जाप करना आवश्यक है। इस मंत्र की कोई विशिष्ट साधना नहीं है दोस्तों, लेकिन जब चाहे तब जितनी बार चाहे उतनी बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इस मंत्र का जाप जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा धन आपको प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, रुकते हैं यहीं पर इसी वीडियो में। जय सियाराम। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।